हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू क्लास थर्ड EVS। टुडे वी नो सम अदर वेज ऑफ हैविंग फन। जो हमने पहले पढ़े हैं गेम्स, इंडोर और आउटडोर गेम्स, इनके अलावा भी हम लेज़र टाइम को अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं अपनी हॉबीज़ के अकॉर्डिंग, जैसे पेंटिंग, डांसिंग, प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, सिंगिंग, है ना। तो इस तरह से भी हम हमारी कुछ लेजियर टाइम को अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। कैसे? लेट्स टेल मी। जनरली पीपल स्पेंड देयर लेजियर टाइम वर्किंग ऑन देयर हॉबीज़। हॉबीज़ के ऊपर डिपेंड होकर, मींस जो उनकी हॉबीज़ होती है, वह लोग वे लेजियर टाइम को इस तरह से स्पेंड करते हैं जिनमें उनकी रुचि है। सम पीपल रीड नॉवल्स, कुछ पीपल्स नॉवल रीड करते हैं। डू एनी क्रिएटिव एक्टिविटी लाइक डांसिंग, पेंटिंग, प्लेइंग एंड सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। सम पीपल एंजॉय ड्राइंग एंड पेंटिंग, कुछ लोग पेंटिंग और ड्राइंग करके एंजॉय करते हैं। पेंटिंग एंड ड्राइंग ब्रिंग्स आउट आवर इमेजिनेशन। जो हमारे दिमाग में, मन में जो भी विचार आ रहे हैं, वो पेंटिंग के ऊपर बनाता है। सम लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स, कुछ स्टोरी बुक्स को पढ़ना पसंद करते हैं। इट एनहांसेस आवर सेंस ऑफ इमेजिनेशन, इससे हमारी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। इट इम्पार्ट्स अस एक्स्ट्रा नॉलेज, और इससे हमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती है। लिसनिंग म्यूजिक इज़ आल्सो ए हॉबी, म्यूजिक सुनना भी एक तरह की हॉबी है। इट रीज एनर्जीज अस एंड मेक अस फील रिलैक्स, इससे हमारा माइंड तो फ्रेश होता ही है, साथ में हम पूरी बॉडी भी रिलैक्स फील करती है। वॉचिंग टेलीविज़न इज़ आल्सो ए गुड वे ऑफ स्पेंडिंग अवर फ्री टाइम, हमारे फ्री टाइम को स्पेंड करना, टीवी देखना, ये भी एक अच्छा तरीका है। चिल्ड्रंस एन्जॉय वॉचिंग कार्टून्स, कार्टून्स देखकर चिल्ड्रन बहुत मज़े करते हैं। तो कार्टून्स में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जो हमें एजुकेट करती है, जो हमें कुछ शिक्षा देती है। सम पीपल लविंग डांसिंग, इट मेक्स अस स्लिम, कुछ लोग डांस करना पसंद करते हैं, इससे हम स्लिम एंड ट्रिम भी दिखते हैं, क्योंकि ये डांस एक एक्सरसाइज का टाइप होता है। सम पीपल लव टू सिंग, कुछ लोगों को गाना भी पसंद है। वी आल्सो हैव फन व्हेन वी गो आउट विद अवर फैमिली, जब हम हमारी फैमिली के साथ बाहर जाते हैं तब भी हमें मज़े आते हैं। वी कैन गो फॉर मूवीज, जू, सर्कस, फेयर, शॉपिंग इज आल्सो ग्रेट फन, इससे भी हमें मज़े आते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज़ एंटरटेन अस, ये सब एक्टिविटीज़ हमें एंटरटेन करती है। दे एक्सरसाइज अवर माइंड एंड बॉडी, इससे हमारी बॉडी और माइंड दोनों ही एक्सरसाइज फुल होते हैं और हमारी बॉडी रीजनरेट हो जाती है। इस तरह से हमने और मेथड्स देखे जिससे हम हमारी बॉडी को रीजनरेट कर सकते हैं। सो रीड दिस चैप्टर एंड लर्न अबाउट दीज हैबिट्स। थैंक यू।